कांग्रेस में शहर अध्यक्ष चुने जाने के बाद कई शहरों में पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई है। सिंगरौली में शहर अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल को बनाए जाने को लेकर पार्टी के अंदर बगावत के सुर देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व से इस पर पुनः विचार करने की मांग की है। सिंगरौली में शहर अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर अध्यक्ष बदलने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने अरविंद सिंह चंदेल को अध्यक्ष बनाए जाने पर रोष व्यक्त किया है। कांग्रेसियों का कहना है कि अगर अध्यक्ष नहीं बदले गए तो वे पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। पद को लेकर अक्सर विवाद और राजनीति होती आई है, लेकिन बात अब जान से मारने की धमकी तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष राम शिरोमणि सहवाल ने अरविंद का विरोध करते हुए बताया कि अरविंद सिंह चंदेल ने विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी रेणु शाह के खिलाफ निर्दलीय पर्चा दाखिल करके चुनाव लड़ा था और ये कई बार कांग्रेस प्रत्याशियों का विरोध कर चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को शहर अध्यक्ष बनाना सही नहीं है। क्या है कि 20 तारीख को फेसबुक में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा सिंगरौली के शहर अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, जो हम लोगों की जानकारी में नहीं था। अभी कोई परिवर्तन होने का ऐसा समय भी नहीं था। जो समाचार चैनलों के माध्यम से जानकारी थी वो था कि सिंधिया से प्रभावित जो जिला 11 हैं सिंधिया महाराज के क्षेत्र में, उन 11 जिलों का जिला अध्यक्ष का परिवर्तन होना है। अचानक से अरविंद सिंह जी को एक सर्टिफिकेट आया, 11वें नंबर में उनका नाम था और अपने आप को वो सिंगरौली का शहर का जिला अध्यक्ष नियुक्त होकर काफ़ी उत्साह मनाने लगे। जो पार्टी के नीतियों के खिलाफ था, उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती रेणु शाह जी 2,500 वोटों से लगभग हार गई थी। जो पार्टी विरोधी के श्रेणी में वो आते हैं, बहुत सारे लोगों ने उनके नियुक्ति का विरोध किया। ये खबर जैसे ही उनको मिली, अरविंद सिंह जी के कुछ निजी कार्यकर्ता जो उनके जीविकोपार्जन का साधन है, जो उन पे आश्रित लोग हैं, उनसे हटकर उनका जीवन यापन करना बड़ा कठिन हो जाएगा। ऐसे कुछ लोगों ने साहू समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणियाँ की, साहू समाज के लोगों को जान से मारने का धमकी दिया। उसमें एक युवराज सिंह करके थे, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि मैं गले के अंदर हाथ डाल के जुबान निकाल लूँगा। स्वाभाविक है, जब जुबान निकलेगा तो आदमी मर जाएगा, माने वो जान से मारने की धमकी की श्रेणी में आता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।